हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे AI टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है अपने काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं। यानी कि आप जो इन पांचों AI टूल्स का यूज करके आप अगर कंटेंट क्रिएटर है या कोई भी वर्क करते हैं तो इसकी मदद से आप जो है अपने काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर पाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक बोनस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। इस वो जो वेबसाइट है काफी अमेजिंग है, उसमें काफी सारे टूल्स जिसकी मदद से आप जो अपनी वीडियो को और भी अच्छा कर सकते हैं। गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखना वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से आप जो है AI टूल को यूज कर रहे हैं। तो गाइस, बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, हमारे जो फर्स्ट AI वेबसाइट जिसका नाम है इलेवन लैब, इसकी मदद से आप जो है किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो है उस स्पीच को मेल या फीमेल के वॉइस में भी आप जनरेट करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे वॉइस दिख जाते हैं, जो भी वॉइस आपको पसंद आती है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जो है टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। ये वेबसाइट ये बिल्कुल फ्री है, आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे जनरेट पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो जो वॉइस है वो रेडी हो चुका है। Hey everyone, and welcome to my channel. Today, I'm going to be talking about why you should become a prompt engineer. तो गाइस, देखा आपने कि किस तरीके से सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट की मदद से यहाँ पर टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हो ये टेक्स्ट जो है बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो स्पीच है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, ठीक है, और हो भी गया। तो गाइस, हमारे जो नेक्स्ट AI वेबसाइट इसका नाम है क्लिप ड्रॉप। जी हाँ गाइस, इसकी मदद से आप जो अपने फोटो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, अपनी फोटो को अपस्केल कर सकते हो, अपने फोटो में लाइटिंग लगा सकते हो, अपने फोटो का बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हो, अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लीनअप पे क्लिक करता हूँ। एंड अभी यहाँ पर देख सकते काफ़ी सारी इमेज हैं जिसमें से आप जो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो अपनी खुद की भी इमेज को अपलोड करके आप उसमें से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मुझे इस पेंसिल को रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, पेंसिल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको क्लीन पर क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर पेंसिल जो हमारी रिमूव हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमारा जो पेंसिल है वो रिमूव हो चुका है। अभी आपको अगर मार्कर को रिमूव करना है तो आपको कुछ नहीं, इस तरीके से सिलेक्ट करना है। जो भी ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके क्लीन पर क्लिक कर देना है। अभी आप देखना मार्कर भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, मार्कर भी गायब हो चुका है। अब आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। हमारे जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है जहाँ कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप जो अपने इमेज को अपस्केल कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो। अभी आप लोग देख सकते हो हमारी जो इमेज थी पहले कैसी थी, बहुत ज़्यादा ब्लर थी, बट अपस्केल होने में अभी आप लोग देख सकते हो हमारी इमेज जो है कितनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। अब आप चाहो तो इस इमेज को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन जैसे कि रीलाइट का ऑप्शन, अभी आपको रीलाइट का मैं यहाँ पर समझाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत सारे इमेज है तो मैं इस इमेज का यूज़ करूँगा। अभी आप चाहो तो इस इमेज में रीलाइट यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट लाइट है, अब मैं इसे रेड करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके फेस पे रेड लाइट आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब आप इमेज को डाउनलोड करेंगे तो ये सर्कल नहीं आएगा, ये जो लाइट आ रहा है वही आएगा। अब मैं यहाँ पर ग्रीन करना चाहूँ तो ग्रीन भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो इमेज है उस पर जो है लाइट आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इस ऑप्शन का यूज़ करके आप इमेज पर लाइट ला सकते हो एंड आपका इमेज और भी अमेजिंग लगेगा। आप इसे चाहो तो फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो टूल है इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं तो आप लोग जो इसमें यूज़ कर सकते हो बहुत सारे। आप चाहो तो किसी भी फोटो में से टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्स्ट रिमूवर है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी इमेज में से आपको टेक्स्ट को रिमूव करना है जस्ट आपको उसे सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है जिसमें से मुझे टेक्स्ट को रिमूव करना है। ये इमेज मैं यहाँ पर ओपन करूँगा और यहाँ पर देखना अभी इस इमेज से सारे टेक्स्ट गायब हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो इमेज है उसमें से एक भी टेक्स्ट नहीं बचा है, सारा गायब हो चुका है। अब आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। गाइस, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर मैं जो है फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप जो है जस्ट बेसिक समझ जाइए। तो गाइस, हमारा जो थर्ड AI टूल है वो लाइक अ कैनवा। जी हाँ गाइस, वो कैनवा की तरह, बट कैनवा में क्या होता है काफ़ी सारे टेम्पलेट जो है पेड होते हैं, बट ये जो है पूरी तरीके से फ्री है। आप इसमें कोई भी टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है vpink.com। अभी आप लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जो भी टेम्पलेट चाहो वो टेम्पलेट एडिट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट पेड नहीं है। यहाँ पर आपको फीचर में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिज़ाइन में आप जाओगे तो यहाँ पर आप चाहो तो लोगो बना सकते हो, आईडी कार्ड बना सकते हो, बैनर, वाउचर, यूट्यूब के लिए थंबनेल पोस्टर, फेसबुक के लिए थंबनेल पोस्टर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। आप जो चाहे वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है। PPT क्रिएट, यहाँ तक कि आप PPT भी क्रिएट कर सकते हो। AI इमेज को जनरेट कर सकते हो। AI राइटिंग, QR कोड जनरेट कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, सोशल मीडिया शेड्यूल कर सकते हो, फोटो एडिटिंग, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दी गए हैं। ये सारे ऑप्शन आपको फ्री में अवेलेबल है। आप इस वेबसाइट का बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। कोई भी वाटरमार्क नहीं है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जस्ट मैं आपको इधर एक इमेज को डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ
AI टेक, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं AI टेक। अभी देखना मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, और बिना वाटरमार्क के डाउनलोड हो जाएगा। अभी आप लोग देखना, तो यहाँ पर आप जो अपने फोटो का जो भी आपको चाहिए PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मुझे JPG में चाहिए तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, ठीक है, देखना कोई भी वाटरमार्क नहीं, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारा जो टेम्पलेट वो एडिट हुआ है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट है, जितना टेम्पलेट यूज़ करेंगे बिल्कुल फ्री आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर आप जो है लोगो बना सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, आईडी कार्ड डिजाइन कर सकते हो, बैनर, थंबनेल, बहुत कुछ यहाँ पर है। तो गाइस हमारे जो नेक्स्ट फोर्थ AI वेबसाइट जिसका नाम है क्रिएटर किट। हाँ गाइस आपने सही सुना, क्रिएटर किट, इसकी मदद से आप जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही अमेजिंग। जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक मेरे पास बॉटल का इमेज है। अब आप लोग देख सकते हैं इस बॉटल को मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट पर जैसे ही अपलोड किया, अभी आप लोग देख सकते हो इस बॉटल का ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड सेट हो चुका है। ये AI वेबसाइट आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है बैकग्राउंड सेट करके दे देगा। चलिए हम लोग यह प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं, क्रिएट विथ AI पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो है आपको अपने इमेज को अपलोड कर देना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो एक बॉटल का इमेज अपलोड किया, अब एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखते हैं यहाँ पर हमारा जो AI है वो बॉटल के लिए जो है बैकग्राउंड सेट कर पाता है कि नहीं। यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आपको बॉटल इमेज कैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ प्लांट्स एंड वुड्स के बीच में चाहिए थोड़ा डिज़ाइन। यहाँ पर आपके सामने जो है डिज़ाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए, और यहाँ पर आपको सामने काफ़ी स्टूडियो डिज़ाइन चाहिए या फिर आपको प्लांट एंड वुड पेंट डिज़ाइन चाहिए या इस तरीके से आपको वाटर डिज़ाइन, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आप इसे चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सेट किया प्लांट्स एंड वुड, यहाँ पर आपको जनरेट पे क्लिक कर देना। अभी आप लोग देखना ये जो हमारा प्रोडक्ट इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, तो देख सकते हो आप लोग कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट का है वो बैकग्राउंड आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है एडवर्टीजमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप जो है एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो। तो वैसे यहाँ पर हमारी जो पांचवी वेबसाइट जो कि लास्ट वेबसाइट है, इसके बाद मैं आपको एक बोनस वेबसाइट के बारे में बताना हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो हमारी जो फिफ्थ वेबसाइट इसका नाम है replicate.com। जी हाँ गाइस, इसकी मदद से आप जो अपने फोटो को एनहांस कर सकते हो। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ पर जो अपने फोटो को अपलोड करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज जो कि काफ़ी ज़्यादा फटी और पुरानी है, अभी इसका आउटपुट देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा यहाँ पर इमेज जो है हमारा हो चुका है। इस तरीके से आप जो यहाँ पर किस कैसा भी इमेज होगा वो ब्लर है, थोड़ी सी फटी, तो आप यहाँ पर अपलोड करके उस इमेज को एनहांस कर सकते हो। किसी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में से आप कलर भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है और इसे AI ने कन्वर्ट कर दिया है कलर में, आप लोग देख सकते हो। आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो जैसे आप यहाँ पर अपने इमेज को एनहांस कर लोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो काफ़ी सारे आप अपने चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर डाल सकते हो, फेस को एनहांस करते हो, बहुत सारे यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन। तो वैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था मैं आपको एक बोनस वेबसाइट के बारे में बताना हूँ, तो वो वेबसाइट का नाम है एडोब फायरफ्लाई। एडोब का जनरेटिव फील जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, इसकी वजह से आप जो अपने फोटो को कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो। एग्जाम्पल अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अगर आपको जानना है इसमें फोटो कैसे एडिट करना है, क्या करना है, तो उसके मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो है एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग बता सकते हैं से कौन सी AI वेबसाइट आपको जो है काफी अच्छी लगी, आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।